तो हमने भी मैडम को साफ साफ कहा कि कोई भी डिसीजन दो अंदर के दिन के अंदर ले लीजिए, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए रुड़की शहर तैयार है। और जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं रुड़की शहर की जनता कि पहले हटवाई क्यों गई थी, अब लगवाने के लिए तैयार है तो लगवा क्यों। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को लेकर जो यूथ ब्रिगेड प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर SDM मैम के पास आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, आज हम इनसे जानेंगे क्या आश्वासन दिया है सर मूर्ति लगाने को लेकर। देखिए मैडम से अभी बात हुई है तो मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि अभी जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से उनसे बात करेंगे, DM साहब से भी बात करी जाएगी अपने, तो दो दिन का टाइम दिया गया है। तो हमने भी मैडम को साफ साफ कहा है कि कोई भी डिसीजन दो अंदर के दिन के अंदर ले लीजिए, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए रुड़की शहर तैयार है, क्योंकि एक शहीदों की मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई है नहीं, और इसलिए मैडम ने दो दिन का टाइम दिया है। तो अब आगे देखिए जो भी डिसीजन निकलेगा फिर लिया जाएगा। अभी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें शहीदों को सम्मान देते हैं, सब लोग मानते हैं, तो ये मूर्ति को लेकर गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है कोर्ट की तरफ से, मैडम की तरफ से, इसमें ये देरी क्यों हो रही है ये हमें बताइए। देखिए यही हमें नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 3 साल हो गए इस मैटर को चलते चलते, ये कोई डिसीजन क्लियर कोई नहीं कर पा रहा। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि के ऊपर डाल रहे हैं, जनप्रतिनिधि शासन के ऊपर डाल रहे हैं, तो कोई सही तरीके से कोई डिसीजन इसमें ले नहीं पा रहा। इसलिए रुड़की के युवाओं ने और पूरी रुड़की की जनता ने शहीदों के मान सम्मान के लिए यही डिसीजन लिया है कि उनकी मूर्ति पुराने स्थान पर लगनी चाहिए। अच्छा, जो स्थान पर लगी हुई थी उसको किन कारणवश हटाया गया या हटवाया गया, जो भी कारण रहा हो वो उसके बारे में हमें बताइए। देखिए जो ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी, ये तो जो जिन्होंने हटवाई है इसका तो सही जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन रुड़की की जनता के अंदर यही रोष है कि मैं ये जानना चाहता हूँ हटवाई किसने, ये तो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ही हटवाई है। कौन है सर जनप्रतिनिधि? जो विधायक हैं रुड़की के, उन्होंने ही हटवाई है। देखिए तो सब जनता को बताइए, मेरे कहने से कुछ नहीं है कि उन्होंने ही हटवाई है, और उनसे उन्होंने खुद 2017 में खुद उन्होंने कहा था कि मूर्ति यहाँ पर लगेगी, और इसमें मंडल अध्यक्षों ने भी बहुत इस्तीफे दिए, लेकिन उन्होंने कहा था लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो जनता ने खुद अपना ये काम हाथ में ले लिया है और अब मूर्ति अपने जगह लग के रहेगी, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है, और उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है। जैसा आपने कहा जिंदा है तो जिंदा दिखाना जरूरी है, उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, तो क्या फैसला आपने किया है कि अगर ये मूर्ति नहीं लगती 2 या 3 दिन के अंदर, किस तरफ ये आपके आप जो ब्रिगेड है किस तरफ जा सकती है, किस तरफ इसका स्टेप रहेगा? देखिए हमने तो अभी 15 अगस्त को ही अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 तारीख तक अगर कोई भी ये मूर्ति यहाँ पर शिफ्ट नहीं होती है तो भले बड़े आंदोलन के लिए रुड़की शहर पूरा तैयार है, लेकिन जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम ने आज हमें बुलाया था तो उनसे 2 दिन का भी टाइम दिया गया, तो 2 दिन में अगर डिसीजन निकलता है तो सही है, वरना आंदोलन के लिए रुड़की शहर तैयार है, और ये फिर जनता को और जनप्रतिनिधि जो भी है उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी सब उन्हीं की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। हमारे साथ तनुज राठी जी हैं जो कि इस यूथ ब्रिगेड का हिस्सा हैं, अहम योगदान इनका भी है। किस तरह की प्रक्रिया आप लेंगे, जैसा शक्ति राणा सर ने बताया, आपकी क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? देखिए ये बड़ा दुख का विषय है रुड़की शहर के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मूर्ति है, जो शहीदों का अपमान हो रहा है खुलेआम कई वर्षों से, कि मना कोई नहीं कर रहा है कि वहाँ नहीं लगनी चाहिए, सारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं लगनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं, अखबार के माध्यम से भी कह रहे हैं, और लगवाने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये लगता है वो जनता का अपमान था, और ये अब जनता ने अपने कमान हाथ में संभाल लिया है 1 तारीख से आंदोलन के लिए, जनता इसमें मैदान में है, और जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं रुड़की शहर की जनता कि पहले हटवाई क्यों गई थी, अब लगवाने के लिए तैयार है तो लगवा क्यों नहीं रहे हो, हमने इसमें बहुत वेट कर लिया, इससे पहले भी वहाँ पर भूमि पूजन भी हो चुका था, सारी बात हुई थी, तो वहाँ पर मेयर साहब ने भी बोला था कि 1 हफ्ते में इसका जो है फेंसिंग अतिक्रमण मुक्त करने के लिए यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, साफ तौर पे जैसे शक्ति राणा जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जो है वो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है इसमें? देखिए जिम्मेदारी जिसके लिए हटवाई है, किसी कौन सा ऐसा कारण था कि वहाँ पे यातायात का जो है वो दिया गया था कि यहाँ से सिविल लाइन का जो यातायात है वो यहाँ से गुजरेगा? नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी ये बताइए कि हटवाना जिम्मेदारी किसकी? देखिए पिछले बार न्यूज वाला में मैंने अपना इंटरव्यू दिया था कि उस गड्ढे में कोई गिर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी जो वन विभाग के नहर के किनारे है, अगले दिन उसमें बंदा एक बाइक समेत गिर गया था, कोई जिम्मेदारी को तैयार नहीं है। 15 अगस्त पे हमने बोला था कि ये झंडा तो है तिरंगा। आम जनता रुड़की की आम जनता की तरह बताइए, अगर आप आम जनता है तो जिम्मेदारी किसकी, जनप्रतिनिधि जो है उनकी या किसी और की? देखिए कोई भी जिम्मेदारी से सब बचना चाहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी मेन 101% जनप्रतिनिधियों की है कि जनता ने उन्हें चुना है, और आज हम सही मांग को लेकर, हम पार्टी नहीं है, पार्टी से बड़ा है देश हित, राष्ट्रहित, हम राष्ट्रहित के लिए इसी बात के लिए हमारा मन दुखी होता है, तो इसलिए हम आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। हमारे साथ है नेचर लवर, जिनको नेचर लवर के रूप में आप जानते हैं, श्री प्रवीण अरोड़ा जी, ये भी इस यूथ ब्रिगेड का हिस्सा है, क्या राय रखते हैं सर इस प्रकरण में आप? मेरी राय तो
ये है कि जिन्होंने भूखे रहकर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आज अपने स्वार्थ के लिए हम उन्हीं का घर उजाड़ दें, ये स्वार्थ की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस काम को किया गया था। हम छोटे छोटे थे जब से देखते थे, इतना सुंदर पार्क बना हुआ था और रातों रात देखा तो वहाँ पे जंगल हो गया। मतलब आप ये बताइए, 26 जनवरी मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, देश के वीरों के लिए, शहीदों के लिए गीत चलाए जाते हैं, आधे घंटे बाद सब खत्म। क्या है ये, आप मुझे बताइए क्या है ये। और आज एसडीएम साहब से वार्ता हुई है, दो दिन का समय दिया है, दो दिन में अगर नहीं मानते तो फिर हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो यूथ ब्रिगेड है, तनुज राठी, शक्ति राणा ने साफ कर दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जनप्रतिनिधि को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि जनप्रतिनिधि की इसमें जिम्मेदारी हो सकती है, और हो नहीं सकती है ऐसा उन्होंने कहा है। ये पूरा प्रकरण एक मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर के ये सामने आया था, इसमें संबंधित पक्ष को बुला करके उनसे बैठक की गई कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या निदान चाहते हैं, उसके संबंध में संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त बैठक करके हल निकाला जाएगा और एक समय अवधि का निश्चित कर ली जाएगी जिसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।